Please subscribe to Laltain because it gives a lot of information. Knowledge, you know. Hello friends, मैं ज्ञानचंद आप सभी का स्वागत करता हूँ लालटेन में, और आज का ज्ञान मैं अपने घर से ही दे रहा हूँ। अरे भाई, मेरा कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं चल रहा है। जैसा कि आज संडे है और मैं बिल्कुल फ्री था, तो मैंने सोचा कल का काम आज ही कर लिया जाए। क्यों, सही है ना? चलिए, तो आज हम बात कर रहे हैं इंडियन रिचुअल्स पर। दोस्तों, ये वाला सीन तो सभी ने देखा होगा। भाई, बचपन में ना माँ बोलने की एग्जाम के पहले ना दही शक्कर खाने का, मार्क्स भी एकदम सॉलिड आता है। तो जब आप भी किसी महत्वपूर्ण काम के लिए घर से निकलते हैं, लाइक एग्जाम देने के लिए या जॉब इंटरव्यू के लिए, तो आपकी माँ भी इसी तरह से दही चीनी खिलाती होगी। और अगर आपको लगता है कि इसके पीछे कोई धार्मिक कारण है या माँ का प्यार है, हाँ वो तो है ही, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है, और एक नहीं कई सारे। एक्चुअली दही खाने को पचाने में मदद करने के साथ ही खाने को मुलायम बनाने में भी मदद करता है। दही में विटामिन B2, B12, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे विटामिन होते हैं। दही की तासीर ठंडी होती है और ये गर्मी में कूलेंट का काम करता है, जो शरीर में मौजूद गर्मी को कम करता है। साथ ही चीनी ग्लूकोज का एक अहम सोर्स होती है। जब दही और चीनी को साथ में खाया जाता है, तो यह हमारे शरीर को ठंडा रखने के साथ एनर्जी भी देता है, जिससे हम स्ट्रेस वाली सिचुएशंस में भी कूल और एनर्जेटिक रहते हैं। और सिमिलरली मेहंदी लगाने के पीछे भी कुछ ऐसे ही रीजंस हैं। शादी ब्याह के फंक्शन हो या कोई फेस्टिवल हो, हमारे घरों की औरतें बड़े शौक से मेहंदी लगाती हैं। मेहंदी की भी प्रॉपर्टीज ठंडी होती है और ये हमें ऐसे टाइम पर स्ट्रेस फ्री रखने में बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट है, पीपल के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है। भारत में लगभग हर जगह पीपल के पेड़ की पूजा होती है, और इसके पीछे बहुत गहरा लॉजिक छुपा हुआ है। एक्चुअली पीपल का पेड़ एकमात्र ऐसा पेड़ है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और इसकी पत्तियों को मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है। स्पेशली औरतों को ये सजेस्ट किया जाता है कि वो अर्ली मॉर्निंग पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें, इससे उनका हार्मोनल बैलेंस बना रहता है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि रात को पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए या उसके आसपास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ के पास भूत आते हैं। हालांकि ये तो अंधविश्वास वाली बात है, एक्चुअल में इसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं बताता हूँ। एक्चुअली रात के समय पीपल का पेड़ बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्रोड्यूस करता है। अगर कोई रात को पीपल के पेड़ के पास सोए या कुछ समय वहां बिताए, तो वहां CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण लोग बीमार पड़ सकते हैं, और यहां तक कि उनको जान का भी खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है, बिल्ली के रास्ता काटने पर लोग क्यों रुक जाते हैं। पहली बात तो ये कि ये कोई भारतीय रिवाज नहीं है, लेकिन इसके ऊपर क्लियरिटी देनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत मजेदार है। अक्सर आपने देखा होगा कि बिल्ली ने जैसे ही रास्ता काटा, लोग बाग वहीं रुक जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं कि पहले कौन क्रॉस करेगा। चलिए, इससे रिलेटेड भी मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली पुराने समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोग घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी का यूज किया करते थे, और रात के समय में उनको जंगल से भी गुजरना पड़ता था, जहाँ जंगली जानवर जैसे कि भेड़िए, गीदड़, जंगली बिल्लियां नजर आ जाते थे। उनकी चमकती हुई आंखों को देखकर बैल और घोड़े अचानक से घबरा कर रुक जाते थे। इस वजह से कई बार सवार व्यक्ति गिर भी जाते थे। इसलिए जब भी इस प्रकार का कोई भी जानवर उनको नजर आता था, तो लोग बाग पहले ही गाड़ी को रोक लेते थे। इस कारण बिल्लियों को देख कर रुकना एक मान्यता सी बन गई थी, और आज के जमाने में हमने इसे एक अंधविश्वास का हिस्सा बना लिया है। अरे, ये बिल्ली कहाँ से आ गई? अरे घबराइए मत, ये मेरी पालतू बिल्ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हम लोग हाथ से खाना क्यों खाते हैं। अच्छा, आप बताइए, आप लोग खाना हाथों से खाते हैं या चम्मच से? क्योंकि बिना चम्मच यूज किए हाथों से भोजन करना बहुत फायदेमंद है। ये परंपरा आयुर्वेद से जुड़ी है। खाना खाने की क्रिया एक तरह से संवेदिक अनुभव होता है। खाने को अगर हाथों से खाया जाए, तो वह भावना और उत्साह पैदा करता है। एक्चुअली हाथों की पांचों उंगलियां स्थान, हवा, अग्नि, पानी और पृथ्वी को दर्शाती है। जब हम अपने हाथों से खाना खाते हैं, तो ये पांचों तत्व पेट में पाचक रस आगे लाने में मदद करते हैं। जब हम खाने को अपनी उंगलियों से महसूस करते हैं, तो पेट को संकेत मिलता है। ऐसे में आप स्वाद, बनावट और खुशबू को लेकर और सचेत हो जाते हैं। इन सभी कारणों की वजह से हाथों से खाना खाने पर खाना जल्दी पचता है। अफ्रीका और मिडल ईस्ट में भी हाथों से खाना खाने की परंपरा है। चलो, दुनिया में और भी लोग हैं जो हमारे जितने समझदार हैं। नेक्स्ट है, लोग पानी में सिक्के क्यों फेंकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ट्रेवल करते वक्त बीच में कहीं नदी, तालाब या फिर कोई धार्मिक स्थल पर लोग बाग उनमें सिक्के फेंकते हैं। शायद कभी ना कभी आपने भी फेंके। इसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूँ।
पुराने समय में तांबे के सिक्के हुआ करते थे, जिनकी जगह आज स्टेनलेस स्टील ने ले ली है। तांबा पानी को शुद्ध करता है और उसकी क्वालिटीज को इम्प्रूव करता है। इसलिए पुराने समय में नदियों में तांबे के सिक्के डाले जाते थे, क्योंकि ज्यादातर नदियां ही पीने के पानी के उपयोग में लाई जाती थी। नेक्स्ट है, धार्मिक स्थलों पर नंगे पैर ही क्यों जाते हैं। दोस्तों, आप लोग अपने अपने रिलीजियंस के अकॉर्डिंग अपने धार्मिक स्थलों पे जाते हो, लेकिन अंदर जाने से पहले अपने जूते चप्पल बाहर ही निकाल देते हो। इसके पीछे का सिंपल लॉजिक यह है कि इन सभी रिलीजियस प्लेसेस पर एक्सेसिव अमाउंट में पॉजिटिव एनर्जीज होती है, यानी सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती है, और इन स्थानों पर नंगे पैर चलने से वह ऊर्जा पैरों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक रहती है। नंगे पैर चलना एक्यूप्रेशर थेरेपी के समान ही है। इन कारणों के अलावा अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो हम इन धार्मिक स्थलों में जाने से पूर्व कुछ देर ही सही हम जूते चप्पल रूपी भौतिक सुविधाओं का त्याग कर देते हैं। इस त्याग को तपस्या के रूप में भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, खाने के अंत में मीठा क्यों खाया जाता है। नॉर्मली लोग बाग अपनी मील स्टार्ट करते हैं स्पाइसी फूड से और एंड करते हैं मिठाई से। स्पाइसी चीजें हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती हैं, जो कि खाने के पचाने के प्रोसेस को बढ़ाता है, और वहीं मीठा हमें एक प्लीजेंट फील देता है और सेटिस्फेक्शन का आभास कराता है। नेक्स्ट है, खाने के तुरंत बाद ही क्यों नहीं नहाना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद नहाने से आपके शरीर का तापमान डाउन हो जाता है। इसकी वजह से बॉडी धीरे धीरे ठंडी होने लगती है और भोजन के डाइजेशन के लिए शरीर के मानक तापमान को बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप जो ब्लड पाचन में सहायता करता है वह शरीर के विभिन्न हिस्सों में प्रवाहित होने लगता है और पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। इसकी वजह से व्यक्ति को घबराहट, एसिडिटी, बेचैनी का अनुभव होने लगता है और जाने अनजाने हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पनपने लगती हैं। जब तक हमारा शरीर उनसे लड़ने में सक्षम रहता है तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे ही शरीर की क्षमता डाउन जाती है तभी ये सारी बीमारियां उभर करके सामने आने लगती है। तो चलिए दोस्तों, आज के ज्ञान को यहीं समेटते हैं और आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी इंटरेस्टिंग ज्ञान की बारिश मेरी तरफ से होती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।